मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि महानगर को जाम से निजात दिलाने हेतु ट्रैफिक नियमों का पालन, पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए जिससे आम जनमानस को आवागमन में कोई असुविधा न होने पाए तथा आवागमन सुगम हो सके। मंडलायुक्त ने कहा कि जनता को राहत देना प्रशासन का प्रमुख कार्य है और इसमें किसी भी स्तर पर उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरटीओ को ओवरलोडिंग रोकने की दिशा में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि बिना परमिट का नवीनीकरण कराएं, कोई भी ऑटो रिक्शा का संचालन सड़कों पर नहीं होना चाहिए। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु वाहनों से हो रही प्रदूषण में वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ई रिक्शा संचालन को प्रोत्साहित किया जाए। जिन टेम्पो टैक्सी की आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है उसका न तो नवीनीकरण किया जाए और न ही उसका प्रतिस्थापन किया जाए, बल्कि उनके स्थान पर ई रिक्शा के संचालन को अनुमन्य किया जाए। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के संचालन को लाभकारी एवं जन उपयोगी बनाए जाने हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा मार्गों का निर्धारण किया जाए। इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में आरटीओ अनिता सिंह, एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह, ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष जी के द्विवेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ अनिता सिंह ने कहा, अनिता सिंह सचिव आरडीए, स्वागत करते हैं। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं सेवा शुरू करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए बात की, तो मैंने उनसे बात की थी कि सर उनकी फाइलें चल रही हैं और उनके यहाँ कमर्शियल डिपार्टमेंट में सर बाकी जिनकी संख्या दो में है और फिर उन्होंने ये कहा था कि जो एलपीजी और पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं उसमें 7 साल की जगह हमसे 10 साल की एज बढ़ा दी है, तो आगे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और जनमानस को परमिट अवेलेबल करना है उसका समय कर रहे हैं, इशू किया है सर, और उसको सत्यापन करके उसका हम लोग जो है सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसमें तंपूही रात से सीएनजी फिलिंग स्टेशन की स्थापना हो गई है। उसके आधार पे तंपूही सेंटर से सीएनजी युक्त ऑटो रिक्शा का परमिट निर्गत किए जा रहे हैं सर। और सर पिछले मीटिंग में सर बिंदु संख्या 8 में था कि स्टेज कैरेज और सिटी बस संचालकों के पदाधिकारियों की बैठक करा के हमारे यहाँ सर एसपी ट्रैफिक, आरएम, नगर निगम, इन 4-5 लोगों की सर एक कमेटी बिठाई गई थी और इसमें इन लोगों के जो बस एसोसिएशन है तो इनका हम लोगों ने स्थल निर्धारण करके कमेटी की पूरी रिपोर्ट सर फाइनल हो गई है और ये लोग एग्री हैं जो जो हम लोगों ने स्टैंड बोल दिया है। निर्धारण परमिट दिए जाने के नीति का निर्धारण है सर, इसमें भी हम लोगों ने 19 मार्ग डिसाइड किए हैं, करा देंगे किस रूट पर ये ऑटोज चल रहे हैं सर, इंटीरियर पार्ट में चलेंगे उसका चल रहा है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो अब तक जो डिस्कस हुआ है इसमें कोई इश्यूज है किसी को? हाँ सर, इसमें पेट्रोल और एलपीजी के जो यहाँ पे कराची का डिसाइडेड है वो 7 साल है, ये 10 साल की मांग कर रहे थे, तो सर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया था आपके द्वारा कि जो है बाकी जगह से आप मंगा लीजिए वहाँ पे क्या क्या है। ये कौन सा सर? बस संख्या 3 है, 1 नंबर 11 है सर। सेकंड वाला क्या है ऑलरेडी वो 15 ईयर्स की हो जाएगी। आज मंडली सड़क सुरक्षा समिति और हमारी आरटीए की बैठक 243वीं थी जो हमारे मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई आज, और मंडलायुक्त महोदय ने 2-3 चीज़ों पे बिल्कुल कड़े निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो निर्देश दिए हैं, अभी जैसे विंटर का टाइम आ रहा है, जाड़ों का टाइम आ रहा है, जहाँ जहाँ फॉग है, जहाँ तिराहे हैं, जहाँ खतरनाक मोड़ हैं, जहाँ पे भी कोई साइनेज नहीं लगा हुआ है, रंबल स्ट्रिप्स नहीं लगे हुए हैं, वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहब को कहा, बिल्कुल कड़े निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे जो शीघ्र से शीघ्र ये सब काम करा लें ताकि कोई भी फैटलिटी वाली एक्सीडेंट्स ना हो वहाँ पे, और जन सुविधा को देखते हुए वहाँ पे सारे काम कराए जाएँ। दूसरा, इन्होंने आज रेट्रोफिटमेंट के 4-5 आवेदन आए हुए थे जिसको उन्होंने अनुमोदित कर दिया कि वो जब भी करेंगे और जितने भी आवेदन आएंगे और हम लोग उसको अप्रूव्ड करेंगे तो अगली मीटिंग में हम लोग उनको प्रस्तुत करा देंगे, अवलोकन करा दिया जाएगा।
दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी घायल हो जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में, घायल व्यक्ति हैं, उसको विभाग की तरफ से सोल्यूशन स्कीम की तरह से सहायता राशि प्रदान की जाती है। उसमें कुछ प्रकरण लंबित हैं, उसको उन्होंने हमारे ARTOs को बिल्कुल निर्देश दिए हैं कि इसको शीघ्र से शीघ्र घायल व्यक्तियों को सहायता राशि प्रदान कराएं ताकि उन लोगों के परिवार को कुछ तो मदद मिल जाए। इस तरह से कमिश्नर साहब का बिल्कुल व्यू बहुत ही क्लियर है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने बिल्कुल एक अपने मंशा बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि जितने भी पीड़ित हैं, किसी भी तरह से घायल हों, मृतक वाले परिवार हों, या हम लोग कोई भी समस्या का समाधान ढूंढ रहा व्यक्ति है, उसका तुरंत ही त्वरित ही निस्तारण करा के आगे की कार्रवाई करा लें। उसमें हम लोगों ने दो प्रकरण थे हमारे, जिसमें निजी जो हमारे सिटी बसें हैं उनका स्थल निर्धारण किया गया है, और जो ऑटो टेम्पो टैक्सीज हैं उनका भी हम लोगों ने रूट सर्वे करा के उन पे उनका संख्या निर्धारित किया गया है और उनको रूट निर्धारित दिया जाएगा, जिसमें हम और SP ट्रैफिक मैडम एक मीटिंग करके उन लोगों को एक कैंप लगा के बुलाएंगे और उनको रूट पे एक स्ट्रेंथ जो निर्धारित है उनको आवंटित कर देंगे। उसी के अलावा और भी किसी रूट पे वो ऑटो चलते हुए पाए गए हैं और उनको विभिन्न हर रूट का अलग अलग कलर भी निर्धारित कर दिया गया है, और जैसे ताकि दूर से दिख जाएं ऑटो अगर वो किसी और मार्ग पे पाए जाते हैं, ताकि उनके पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके चालान या बंद की कार्रवाई की जा सके।